सब्सक्राइब कीजिए वाइटी नेहन चैनल को लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, वाइटी नेहन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था उस पर मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स मिले हैं कि सर, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 52,000 की न्यू वैकेंसी कब आने वाली है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी 52,000 की वैकेंसी कब आएगी, कब उसके रजिस्ट्रेशन होंगे और कब आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर यह भी बताऊँगा कि उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज यानी सिविल पुलिस के लिए कितनी वैकेंसी है, पीएससी पुलिस के लिए कितनी वैकेंसी है और यहाँ पर कैटेगरीज वाइज वैकेंसीज को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों, कम्प्लीटली हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, आपको यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि वीडियो का हर पार्ट आपके लिए यहाँ पर बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, आप 52,000 के बारे में काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं। जो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होना था वो मार्च में होना था और जो उसका रजिस्ट्रेशन का काम था वो लगभग आपका अप्रैल में होना था। तो दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से जो आपकी भर्ती थी उस टाइम पर उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। तो अब हम बात करेंगे कि कब उसका आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और कब आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन का काम है वो फरवरी से मार्च के बीच में होगा। दोस्तों, आपने यूट्यूब्स पर काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी, वो बोल रहे हैं कि आपके रजिस्ट्रेशन दिसंबर में होंगे, जनवरी में होंगे। तो दोस्तों, आप इस प्रकार की किसी भी तरह की न्यूज़ पर बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों, अगर मैं अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से बताऊं तो यहाँ पर फ़िलहाल 52,000 के बारे में कोई चर्चा नहीं है। किसी तरह का यहाँ पर कोई सूचना नहीं दिया गया है कि 52,000 वैकेंसीज़ का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएं। तो दोस्तों, आप फर्जी न्यूज़ से बचें और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपके रजिस्ट्रेशन फरवरी और मार्च में होंगे, आप इस बात को ध्यान रखिए। तो दोस्तों, इस तरह जो आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है वो फरवरी से मार्च में होने वाला है। अगर हम बात करें इसके एग्ज़ाम की, तो जैसा कि आपको पता ही होगा, तो जो 2018 में 41,520 की वैकेंसी हुई थी, उसी तरह से यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम है वो मई से जून के महीने में होगा, यानी जो आपका एग्ज़ाम है वो मई और जून के बीच में होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज यानी सिविल पुलिस के लिए यहाँ पर कितनी वैकेंसी है और पीएससी पुलिस के लिए यहाँ पर कितनी वैकेंसी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सिविल पुलिस के बारे में। अगर हम दोस्तों सिविल पुलिस के बारे में बात करें तो सिविल पुलिस को यहाँ पर इस बार 32,000 वैकेंसीज दी गई हैं। और दोस्तों, अगर हम बात करें पीएससी के बारे में, तो दोस्तों जो वैकेंसीज बची हुई है यानी कि जो 20,000 वैकेंसीज बची हुई है वो आप लोगों को पीएससी पुलिस की देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से यहाँ पर दोस्तों आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज डिस्क्राइब की गई है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस कैटेगरी को यहाँ पर कितनी वैकेंसीज दी गई है, यानी कि जो कैटेगरीज को वैकेंसीज रिजर्व की जाती है वो कितनी है, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों सिविल पुलिस के बारे में। तो सिविल पुलिस में अगर हम जनरल कैटेगरी को लें, तो दोस्तों यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 16,000 से 17,000 के लिए सिविल पुलिस की यहाँ पर वैकेंसीज रखी गई हैं। और दोस्तों, इसी तरह से जो ओबीसी कैटेगरी है उसके लिए यहाँ पर 8,000 से 9,000 वैकेंसीज रखी गई है। एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 6,000 से 8,000 के बीच में वैकेंसीज रखी गई हैं और एसटी कैटेगरी के लिए दोस्तों 800 से 900 वैकेंसी इस बार यहाँ पर रखी गई है। दोस्तों, फिलहाल कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं जितना आपको बता रहा हूँ ये मैं आपको जो पुराना नोटिफिकेशन है जिस टाइम पर नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला था उसके बेस पर मैं आपको ये वैकेंसीज बता रहा हूँ। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं पीएससी की वैकेंसीज़ के बारे में। तो दोस्तों, पीएससी के लिए भी यहाँ पर कुछ इस तरह से ही रहने वाला है। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी के लिए, तो जनरल कैटेगरी के लिए आपके पास 9,000 से 11,000 के बीच में यहाँ पर पीएससी पुलिस के लिए आपके पास वैकेंसीज रहने वाली है। ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 5,000 से 6,000 के बीच में आपकी वैकेंसीज रहेंगी और एससी कैटेगरी के लिए 3,000 से 4,000 आपकी वैकेंसीज रहेंगी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए 500 से 600 पीएससी पुलिस की वैकेंसीज रहेंगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो इस बार 52,000 का डिवाइडेशन है वो इस तरह से किया गया है। और दोस्तों, आपको मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि जो आपका रजिस्ट्रेशन का काम है वो फरवरी और मार्च में ही होगा। तो दोस्तों, आप फिलहाल जो ये फर्जी न्यूज़ चल रही है कि आपका रजिस्ट्रेशन दिसंबर में शुरू होने वाला है, जनवरी में शुरू होने वाला है, तो आप इस चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जो आपका रजिस्ट्रेशन का काम है वो फरवरी और मार्च में ही होगा।
आप इस बात पर 100% श्योर रहिए। तो जैसे ही दोस्तों 52,000 की वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है वो तुरंत मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, और जैसे ही आपके लिए यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी उत्तर प्रदेश पुलिस या कोई अन्य वैकेंसीज़ के बारे में कोई डिटेल मिलती है तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर समय समय पर देता रहूँगा। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। आप मेरा हर वीडियो देख सकते हैं, हर वीडियो पर आप देख सकते हैं जिन लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया है मैंने उनके बारे में उसको ज़रूर बताया है। तो दोस्तों चैनल बनाने का जो मकसद है सिर्फ आप लोगों की हेल्प करने के लिए बनाया गया है, अन्य किसी कारण से यहाँ पर चैनल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको उसके बारे में 100% आपको बताऊँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए जो उत्तर प्रदेश पुलिस 52,000 की वैकेंसीज़ का काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों उन लोगों के पास इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर पहुँचाइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।